हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर सुनील शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इन द स्टार्टिंग व्हाट इट सेज, द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो हमारी वर्ब होती है वो जरूर अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट से इन नंबर एंड पर्सन, चाहे तो वो नंबर हो चाहे वो पर्सन के हिसाब से हो। दैट्स टू से द वर्ब शुड बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज सब्जेक्ट। और जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, सेम नंबर और सेम पर्सन के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे देखते हैं, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंट एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे तो दो हों या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हों और जॉइंट बाई एंड, और एंड से वो जॉइंट कर रखे हों, तो उनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। हियर एग्जाम्पल दे रखा है, ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। और देखो ही एंड आई, तो ये क्या हो गए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ फिर एंड से ये क्या किया हुआ है, इनको कंबाइन कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, तो हमको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, जो कि कौन सी है, आर। इंडिया एंड पाकिस्तान नीड पीस टू डिवेल्प। अब इंडिया एंड पाकिस्तान दो हो गए, तो हमको नीड यूज़ करना है, ना कि नीड्स, ऐसा नहीं लगता इसमें, फिर प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी होती है। सेकेंड, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एंड बट रिप्रेजेंट वन आइडिया, देन द वर्ब इज सिंगुलर। अब बात करता है, दो सब्जेक्ट दिए हों और एंड से जॉइंड हो, पर आइडिया उनका जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन दैट केस विच फॉर्म इज यूज, सिंगुलर वर्ब। लाइक ब्रेड एंड बटर इज अ नेसेसिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज अ नेसेसिटी। अब देखने में तो ब्रेड एंड बटर, देखो दो लगते हैं जैसे, दो नाउन हो गए, पर इनका क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन आइडिया को, इज़ अ नेसेसिटी, मतलब एक ज़रूरत है हमारी, तो इसलिए इसमें जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर रहेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी, देखो वैसे तो टू हो गए, पर क्या है, आइडिया एक ही दे रहे हैं, तो विंस आएगा इसमें, यानी सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। वेन टू सिंगुलर, नंबर थ्री है, वेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई एंड एर रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज इन द सिंगुलर एज। कहता है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों जॉइंड बाई एंड, और एंड से ज्वाइन कर रखे हों, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और बा रेफर किसको हों, एक ही पर्सन को हों। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जॉइंड बाई एंड हों, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई एंड हों, पर क्या है, सेम पर्सन हो या सेम थिंग की बात कर रहे हो, तो कौन सी सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द पोइट एंड स्टेट्समैन इज डेड। अब देखो द पोइट एंड स्टेट्समैन, तो इसमें क्या है, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो इसमें क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ रहेगा, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब इज। द पोइट एंड स्टेट्समैन इज डेड। माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ कम। अब देखो माई फ्रेंड एंड गाइड, एक ही पर्सन की बात हो रही है, ये कैसे पता चलता है भी एक हो रही है, ऊपर देखो द पोइट एंड स्टेट्समैन है जैसे ये वाला, तो इसमें क्या है, अगर हम द पोइट एंड द स्टेट्समैन कर दें, ये आगे आएगा, तब ये टू पर्सन हो जाते, अलग अलग हो जाते, और फिर हमको कौन सी यूज़ करनी पड़ती, प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी पड़ती, प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ती, पर यहाँ ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उसमें देखिए माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ कम, तो इसमें क्या है, माई फ्रेंड एंड गाइड, अब ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, जो कि हैज़ आएगी इसमें। फिर यही नोट दे रखा है, इफ़ द आर्टिकल इज़ यूज्ड वंस, द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। अब आर्टिकल द यूज़ हुआ था, देखो एक ही बार आया था इसमें, ये द पोइट वाला, ये वाला, तो इसमें क्या है, द पोइट एंड स्टेट्समैन इज डेड, तो यही बात कह रहा है, अगर आर्टिकल एक बार हो, द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एंड द वर्ब इज़ सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है। अब फोर्थ में देखो, इफ़ द आर्टिकल इज़ यूज्ड ट्वाइस, द टू नाउन्स रेफर टू द डिफरेंट पर्सन और थिंग्स एंड द वर्ब यूज्ड इज़ प्लूरल। अब दो अलग अलग पर्सन या थिंग्स की बात हो रही हो और द आर्टिकल साथ लगा हो, तो क्या है, हमको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, कौन सी वर्ब करेंगे, प्लूरल वर्ब। द पोइट, अब देखिए यहाँ दो बार द है आर्टिकल, द पोइट एंड द स्टेट्समैन, द पोइट एंड द स्टेट्समैन आर डेड, तो ये अलग अलग हैं, पोइट अलग है, स्टेट्समैन अलग है, तो फिर वर्ब कौन सी यूज़ होगी, आर, राइट। ऐसी देखो नेक्स्ट वाला है, जो द प्रीस्ट एंड द लीडर। अब ये प्रीस्ट अलग है, द प्रीस्ट और द लीडर, क्योंकि इसमें आर्टिकल भी दो बार आया है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, एक ही नहीं है,
अगर ये होता द प्रीस्ट एंड लीडर तो एक हो जाता, द प्रीस्ट एंड द लीडर हैव कम आएगा फिर। अगर ये ऐसे होता द प्रीस्ट एंड लीडर, फिर आता हैज़ कम, सिंगुलर वर्ब आती, राइट। फिफ्थ पॉइंट है ईच, एवरी वन, ईदर, नीदर, एवरीबडी, मैनी, मैनी आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो हमको इसके बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब से फॉलो किए जाते हैं। जैसे ईच ऑफ दिस बॉय, ईच ऑफ दिस बॉय हैज़ टू पे फाइन। अब ये बॉयज़ नहीं देखना हमने, अब ईच है, और ये रूल में बताया ऊपर, ईच, एवरी वन, ईदर, नीदर, एवरीबडी, मैनी आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो क्या करना है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो ईच ऑफ दिस बॉय हैज़ टू पे फाइन, ना कि हैव टू पे फाइन। नीदर ऑफ दीज आंसर्स इज़ करेक्ट। अब नीदर आ गया, देखो नीदर ये रहा ऊपर रूल में था, तो नीदर ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट आएगा। आंसर्स को देख के आपने आर नहीं लगा देना। मैनी अ बॉय इज टेम्प्टेड टू डू दिस मिसचीफ। ओह देखो मैनी ए का भी रूल बताया था उसने ऊपर, ये रहा मैनी अ, जब मैनी अ आ जाए तो भी हमने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, राइट। तो आपको ये फिफ्थ पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर से सिक्स पॉइंट, When two subjects are joined by either or neither nor, either or neither nor, the verb agrees with the second subject in number and person. तो जो अब जो subject agree करेगी वो second subject के साथ करेगी। अगर either or neither nor आए हों तो हमने second subject देखना है और उसके साथ क्या use किया जाता है वो use करेंगे। Either she, example के लिए, either she or I dash to blame, मान लो fill in the blank होता, तो इधर के बाद आए हैं शी और आई, तो आई सेकंड के साथ हमने वर्ब देखनी है कौन सी लगती होती है, तो आई एम टू ब्लेम, राइट। नीदर फूड नोर कोल्ड ड्रिंक्स, अब ये ड्रिंक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, वर आएगा, वोज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर बताया इधर और नीदर नोर आ जाएं तो वर्ब किसके साथ अग्री करेगी, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ करेगी, ना कि फर्स्ट के साथ, राइट। सेवन्थ पॉइंट है When two subjects are joined by as well as, अगर दो subject हों और वो किसके साथ, as well as, और जो है with, along, along with, in the company of, the verb agrees with the first subject in number and person. अगर ये words दिए हों as well as, with, along with, in the company of, तो verb किसके साथ agree करेगी, first subject के साथ करेगी। Dipali as well as you, अब ये नहीं देखना दीपाली और यू क्या है, दो हैं, तो इसमें क्या है, इज़ यूज़ होगा। दीपाली को देखना है हमने, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ एज़ वेल एज़ आया हुआ है, और ये ऊपर रूल में बताया था एज़ वेल एज़ आ जाए तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को साथ चलना है, तो इज़ लगेगा। दीपाली क्या है, सिंगुलर है, तो दीपाली एज़ वेल एज़ यू इज़ एट फॉल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है द टीचर विद हर स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन। अब क्या है, टीचर विद हर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना हमने, टीचर सिंगुलर है तो वोज आएगा, तो वोज प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन, राइट। एट्थ रूल है इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, अब दो सिंगुलर नाउन आ जाएं और जॉइन से, जॉइन किससे कर रखे हो, एंड से, आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, और ईच और एवरी से वो प्रिसीड करते हो, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, तो जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। For example, each and every student has completed his work or her work, each and every student. तो ये क्या है, यहाँ पे हमने कौन सी यूज़ करनी है, each every में singular. Every boy and the girl was given a project. अब यहाँ every आ गया, तो every आने से भी क्या होगा, इसमें भी singular verb, यानी कि was यूज़ होगा, every boy and girl was given a project. Ninth rule है when two subjects are joined by not only but also, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो, द वर्ब अग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो आए हों तो हम जो वर्ब किससे अग्री करेगी, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ करेगी। जैसे नॉट ओनली मृणाल बट आई एम ऑल्सो एट फॉल्ट, अब नॉट ओनली आ गया तो उसमें क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ हमने जो यूज़ होता है, वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ करनी है। टेंथ में है द फॉलोइंग नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म, अब कुछ एक नाउन है हालांकि वो सिंगुलर फॉर्म में है, ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब, अब वो प्लूरल वर्ब ही लेके चलते हैं अपने साथ, जैसे कैटल वर्ड है, फ्लॉक है, जेंट्री है, मेजॉरिटी है, मैनकाइंड है, नोबिलिटी है, पीजेंट्री है, पॉलिस है, पोल्ट्री है, पब्लिक है, पीपल है, ये कुछ वर्ड्स हैं
जो क्या है, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, ये अपने साथ अब प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं, जैसे द कैटल। अब कैटल के साथ कोई एस नहीं लगा हुआ, पर आर आएगा, ये पशु का जो ग्रुप होता है, तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। और ये प्रेजेंटरी क्या है, फार्मर ग्रुप होता है, ये जो प्रेजेंटरी अंडरलाइन कर भी रखा है। अब एग्जांपल्स में देखिए, द पुलिस आर आफ्टर द क्रिमिनल, अब पुलिस क्या था, प्लूरल वर्ब था तो आर आया, इसलिए पुलिस के साथ। पीपल, पीपल के साथ वर्ब, ये प्लूरल हैं जो प्लूरल वर्ब को लेके चलते हैं। द विलेज फॉक नीड, अब ये नीड भी क्या है, प्लूरल फॉर्म है क्योंकि एस नहीं लगा हुआ, राइट। इलेवंथ है द फॉलोइंग नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब, अब कुछ एक नाउन है जो कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे एडवाइज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायनामिक, हेयर, फिजिक्स, न्यूज़, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, समन्स, वेजेस, वेयर अबाउट्स, लगेज, ब्रेड, सीनरी। अब ये कुछ एक ऐसे नाउन है जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब को लेके चलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स। अब देखे जाएँ तो एस लगा हुआ है, पर इकोनॉमिक्स इज आएगा, इज वेरी यूजफुल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है वो कौन सा वर्ब को लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब को लेता है। द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे, अब जैसे न्यूज़ देखें तो न्यूज़ ऐसे लगता है ज़्यादा न्यूज़ होगी, पर इसके साथ वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। द वेजिज ऑफ सिन इज डेथ, अब वेजिज वैसे तो देखने में प्लूरल है, पर ऊपर वर्ड्स में दिया हुआ है भी इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, तो द वेजिज ऑफ सिन इज आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। हर हेयर, अब हेयर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पर क्या है, इसमें इज का यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, राइट। ट्वेल्थ है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स, नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, अब ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं आपको पता है, जो ग्रुप को रेफर करते हैं, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द क्लास इट नेम्स इज कंसिडर एज अ यूनिट, जब एज अ यूनिट वो काम कर रहे हो, जैसे द ज्यूरी इज यूनैनिमस इज इन वर्डिक्ट। अब ये जो एग्जाम्पल है, ज्यूरी है, ज्यूरी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं ज्यूरी, तो वैसे तो ये प्लूरल है, पर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, द ज्यूरी इज यूनैनिमस इन वर्डिक्ट। सेकंड है, द कैबिनेट वांट्स दिस लॉ पास्ड, अब ये कैबिनेट भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो वांट्स यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है इनके साथ, ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। थर्टींथ है, द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल एंड हैव नो सिंगुलर फॉर्म, अब कुछ एक नाउन्स दिए गए हैं जो हमेशा ये प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, जैसे ब्रीचेस, पैंट्स, शर्ट्स, सॉक्स, ट्राउजर्स, मम्प्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, बेलोज, आर्म्स, एशेस, एनल्स, थैंक्स, केव्स, टिचेस, टाइडिंग्स, प्रोसीड्स, रिमेन्स, सर्कमस्टेंसेस। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल होते हैं और इनकी कोई सिंगुलर वर्ब नहीं होती, सिंगुलर नाउन होता ही नहीं है इनमें। माई सीजर्स आर शार्प, अब ऐसे नहीं कहेंगे माई सीजर्स इज शार्प, नहीं, माई सीजर्स आर शार्प। वैसे भी सीजर्स के आप देखें तो टू पार्ट्स होते हैं, जैसे ऐसे अलग अलग। आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, आर्म्स किसको बोलते हैं, भीख को कहते हैं, तो वर इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। माई ट्राउजर्स नीड डेयर डार्निंग, तो ट्राउजर्स क्या है, ये प्लूरल वर्ब को लेगा। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो ऊपर आपको लर्न करने होंगे। 14th नंबर है, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ क्वांटिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी कंसिडर्ड एज अ होल, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड एज, अगर बात करते हैं, अगर कोई प्लूरल नाउन डिनोट्स कर रहा हो क्वालिटी या क्वांटिटी को, तो फिर क्या करना है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे 5000 रुपीस इज़ अ बिग अमाउंट, 5000 रुपीस इज़ अ बिग अमाउंट, तो इज़ यूज़ करना है हमने, हालांकि क्या था, 5000 रुपीस देखने में जैसे प्लूरल लगता है। 100 मीटर रेस नीड्स क्विकनेस, अब ये क्या है, किसको डिनोट कर रहे हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी की बात हो रही है, तो 100 मीटर रेस नीड्स क्विकनेस। 15th नंबर है, वन ऑफ शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल नंबर बट सिंगुलर वर्ब, अब वन ऑफ क्या है, फॉलो किससे करता है, प्लूरल नंबर से, पर यूज़ कौन सी करनी है, वर्ब सिंगुलर। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर, यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ आएगा, आर नहीं लगाना, आपने वन को देखना है इसमें। वन ऑफ शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल नंबर बट सिंगुलर वर्ब,
ये आपने ध्यान देना है, बट सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब इज लगेगी। वन ऑफ हिज पोइम्स हैज़ बीन पब्लिश्ड, तो वन ऑफ हिज पोइम्स, उसकी पोइमों से में से एक पोइम यानी हैज़ बीन पब्लिश्ड, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, राइट। तो ये थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये आपने नीदर रमन नोर हर सिस्टर इज़ ब्रेव, जैसे ये आपने फिर क्या करने हैं, इनको सॉल्व करना है विद पेंसिल, और फिर मैं वेरी सून आई विल बी सेंडिंग यू द आंसर की, देन यू विल मैच विद मैच योर आंसर, बट डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू यूज़ पेंसिल। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।